आज के इस वीडियो में हम आपको चैन स्नेचिंग की वारदातें दिखाने वाले हैं, जिसकी शुरुआत करते हैं इस पहले फुटेज से। भारत के किसी शहर की इस सीसीटीवी फुटेज ने लोगों को हैरान और परेशान करके रख दिया, क्योंकि ये घटना थी कुछ ऐसी। सीसीटीवी फुटेज को शुरू शुरू में देखने पर सब नॉर्मल जैसा ही लगता है, मगर ध्यान से देखने पर जो बात निकल कर सामने आई वो ये दो शख्स बाइक पर सवार, सिर पर हेलमेट बांधे ये शख्स इस पिंक साड़ी वाली महिला को निशाने पर लेने चले थे। पहले प्रयास में तो ये दोनों शख्स फेल हो जाते हैं, मगर दूसरे प्रयास में इनमें से एक भरे बाजार में इस महिला के गले में हाथ डालता है, इसकी चैन को चुराता है और आराम से सबके सामने बाइक पर बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। दिन दहाड़े इतनी पब्लिक के बीच इन शातिर चोरों ने अपने काम को अंजाम दे ही दिया। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इस वीडियो की हर एक क्लिप आपके लिए किसी सीख से कम नहीं होगी। अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ऐसा कुछ हमने भी पहली बार ही देखा था। हमारी इस अगली वीडियो क्लिप में आपको एक महिला और व्यक्ति दोनों अपने अपने व्हीकल्स पर सवार दिखाई देते हैं, मगर ये व्यक्ति आज घर से कुछ हैरत अंगेज वारदात करने निकला था। अपनी बाइक को चलाते चलाते अचानक ये शख्स इस महिला की स्कूटी के पास आकर उसके गले में हाथ डालता है, उसके गले की सोने की चैन को चुराता है और तुरंत 9:00-11:00 हो जाता है। महिला बेचारे चिल्लाते हुए कुछ करती, इससे पहले ये चोर अपने काम को अंजाम देकर यहाँ से फरार हो गया। अगर आप एक महिला है और ये वीडियो अभी तक देख रही हैं, तो इस अगली वारदात को देखकर आप भी कुछ समझ सकती हैं और खुद को सुरक्षित रख सकती हैं। फरीदाबाद की किसी गली में वायरल हुई ये सीसीटीवी फुटेज स्टार्टिंग में एक सामान्य जैसी लगती है, मगर एंडिंग तक सब कुछ बदल जाता है। आप अपना फोकस बस इस लड़के पर रखिएगा और इस महिला पर जो फोन पर व्यस्त है। सही मौका और सही समय आते ही ये लड़का बाकियों की तरह इसके गले में हाथ डालकर चैन को झटके से तोड़कर चुरा लेता है। इस तरह की झपट से महिला के गले में चोट भी आ जाती है, मगर वो बेचारी करती भी क्या, क्योंकि तब तक ये चोर यहां से रफू चक्कर हो चुका था। इन झपट मारों के हौसले किस हद तक बुलंद हो चुके हैं, ये आपको इस अगली वारदात की पेशकश से पता चलेगा। हमने घटना की जांच की तो पाया ये सीसीटीवी फुटेज मुंबई की एक सोसाइटी हिल व्यू के गेट की है, जिसमें एक नाटा सा लड़का किसी बूढ़ी दादी माँ को अपने काफी टाइम से फॉलो किया करता था। साफ सी बात है, बिना बात के कोई क्यों किसी को पीछा करेगा। मौके की सही तलाश करते हुए इसने एक वक्त पर इस बूढ़ी माँ के गले में जोर से हाथ मारा और इसके गले में पहनी हुई सोने की ज्वेलरी को छीन कर वहां से भाग गया। चंद पलों में क्या से क्या हो गया और सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। इसलिए आप ध्यान दें, आप अपनी बूढ़ी माताओं को ऐसी महंगी ज्वेलरी पहनाकर बाहर मत जाने दीजिए। लास्ट झपटमारी की वारदात से अगर आपने कुछ नहीं सीखा, तो हम एक बार फिर से आपकी आंखें खोलने की कोशिश करेंगे और शायद इस बार आप बेहतर से समझ पाए। केरला से वायरल हुई इस वारदात में एक शख्स स्कूटी पर बैठे बैठे अचानक इस बूढ़ी माँ से कुछ सवाल करता है, मगर इसका असली इरादा क्या था ये आपको अभी मालूम चलेगा। कुछ देर तक यूं टाइम पास करने के बाद ये व्यक्ति वो करता है जो ये करने के लिए आज घर से निकला था। अचानक ये शख्स इस बूढ़ी माँ के गले में जोरदार झपट्टी मारकर इसकी चैन को चुरा लेता है। इस झपट में बेचारी माँ को काफी चोटें भी आ जाती हैं। बावजूद इसके ये बेरहम चोर ऐसा करके यहाँ से भाग जाता है। ऐसे वाहियात इंसान पर आप अपना गुस्सा कैसे निकालना चाहेंगे, कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे लास्ट वारदात में जो बूढ़ी माँ के साथ हुआ, जो तरीका उन झपटमारों ने अपनाया, ये तरीका काफी पुराना है। ऐसे ही सेम टू सेम वारदात एक और घटना में देखने को मिली, जिसमें तरीका वही था, बस किरदार नए थे। इस बार ये दो लड़के किसी सुनसान गली से गुजर रही लेडी के पास आते हैं, इससे बेतुके सवाल करते हैं और मौके की सही नजाकत देखते हुए जैसे इस महिला का ध्यान थोड़ा इधर उधर होता है, ये तुरंत उसके गले में हाथ मारते हैं और वो भी तेज और जोरदार। ये लड़के चैन चुराते हैं और बाइक को फुल स्पीड में भगाकर वहां से गायब हो जाते हैं और बेचारी महिला के पास सिवाय अफसोस करने के और कुछ नहीं बचता। क्या आपके साथ भी कभी ऐसी कोई घटना हुई है, कमेंट बॉक्स में बताइए। महंगाई के इस दौर में लोग ईमानदारी से ज्यादा बेईमानी का पैसा और हराम की कमाई ज्यादा पसंद करते हैं। तमिलनाडु की करामादाई शहर की इस सीसीटीवी फुटेज ने हमारी कही बात पर मानो जैसे सच की मोहर लगा दी हो। किसी गली से गुजर रहे इस महिला को देखते रहिए,
क्योंकि ये महिला आज किसी की निगाहों में शिकार के जैसे बनी हुई है। अपनी मस्ती में गुजर रही इस महिला के पास अचानक कुछ झपटमार बाइक सवार आते हैं, इसके गले में हाथ डालकर इसकी चैन चुराते हैं और चले जाते हैं। सब कुछ इतना आसानी से हो गया। वेल, ऐसे में अगर आप इस घटना से कुछ सीखना चाहें तो आप पर है। चैन स्नैचिंग की ये वारदातें अभी के समय में कुछ तेजी से सामने आई हैं। आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी गली में ऐसी रिपोर्ट सामने आती ही रहती हैं। किसी सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरों में एक बार फिर ऐसी ही स्नैचिंग की वारदात रिकॉर्ड हुई, जो इस बार सोच में डालने वाली साबित रही। इस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि एक बूढ़ी महिला के पीछे एक लड़का धीरे से आता है और गले में झपट्टी मारकर इसके सोने की चैन तोड़ जाता है। इस बूढ़ी माँ को तो ये मालूम ही नहीं चला कि एकाएक उसके साथ ही क्या हो गया। ये चोर झपट्टी मारकर तुरंत भाग जाता है। ये बूढ़ी महिला भी इसके पीछे दौड़ी आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर में घुसकर किसी के साथ ऐसी वारदात को अंजाम देना ये गंभीर विषय की बात है। चैन स्नैचिंग और चोरी जैसे कुकर्म अभी के इस दौर में क्यों बढ़ रहे हैं? अगर आपके पास इसका कोई सटीक जवाब है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उससे पहले ये एक और फुटेज जो किसी स्टेशनरी शॉप की मालूम होती है। इस चोरी में कुछ हटके हुआ था। वो ऐसे कि ये चोर इस शॉप पर कोई नोटबुक लेने के बहाने से आता है। ये दुकानदार महिला इसे ग्राहक समझकर नोटबुक्स दिखाती है। कुछ देर तक ये नाटक चलता है और फिर होता असली कबाड़ा। ये लड़का मौके की सही नजाकत के साथ इसके गले में दिखाई दे रही सोने की चैन को तोड़कर अपने साथी बाइकर के पीछे बैठकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। समझ में नहीं आता इस तरीके से लुटे पैसों से इनको रोटी कैसे भाती होगी। अभी जो वारदात आप देखेंगे ये न केवल हमारे वीडियो की आखिरी वारदात होगी, बल्कि उन लोगों के लिए सीख भी बनेगी जिनके घर में बुजुर्ग महिला या माँ रहती है। इस वारदात में जो हुआ वो घरों में बैठी महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठाती है। ये बुजुर्ग महिला कहीं से होकर आते हुए अपने घर में आती है, जिस पर किसी झपटमार की निगाहें पहले ही तय बैठी थी। ये महिला जैसे लिफ्ट के पास आती है, ये जवान लड़का तुरंत इस पर अपना हाथ साफ करता है और यहाँ से 9-2-11 हो जाता है। इस जोरदार झपट से बेचारी माँ को चोट भी आती है, मगर सवाल ये है कि ऐसे में अगर हमारी माताएं और बहनें घरों में भी सुरक्षित नहीं रहेंगी तो वो जाएंगी कहाँ? अगर आपके पास हमारे इस सवाल का जवाब है तो जरूर बताइएगा।